हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है, अगेन ये स्किन केयर के ऊपर ही वीडियो है। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम अपने स्किन के जो कलर को 3 से 4 शेड फेयर कैसे कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको एकदम से गोरा कर दूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फेयरनेस को प्रमोट नहीं करती हूँ। जिसका जो कलर है वो बेस्ट है, उसमें वो अच्छा दिखता है, खूबसूरत है, और आपका जो भी कलर है उसको आप अपना बेस्ट कलर मानो और उसमें आप खुद की खूबसूरती को महसूस करो। जस्ट थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा आप केयर करोगे ना अपने आप, जब थोड़ा केयर करने लगोगे तो 3-4 शेड कलर फेयर होना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पिछले 2-3 महीने के पहले के वीडियो देखो, उसमें मेरा कलर कॉम्प्लेक्शन आपको दिखेगा और अभी जो कलर है वो दिख रहा है। तो ये मैं कोई फेयर नहीं हुई हूँ। एक्चुअली मेरा जो ओरिजिनल स्किन टोन है वो अब बाहर आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं अब थोड़ा सा स्किन पे ध्यान देने लगी हूँ। बीच में मेरा बेबी होने के बाद मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती थी अपने स्किन पर, लेकिन फाइनली पिछले 3-4 महीनों से बहुत ध्यान दे रही हूँ। क्यों ध्यान दे रही हूँ, इसके पीछे रीज़न है। एक तो स्किन अच्छा हो जाएगा, वो तो सही है। दूसरा, जब DIYs हम किसी को बताते हैं ना, हम YouTube पे शेयर करते हैं, तो उसको बहुत बार अपने ऊपर ट्राई करके देखना पड़ता है कि इससे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अगर मुझे देख के ये DIY आप फॉलो कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए बहुत रिसर्च करना पड़ता है, अपने ऊपर चीज़ें लगानी पड़ती है, देखनी पड़ती है कि हाँ इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो टचवुड, मेरा अभी तक किसी भी DIY से कोई साइड इफ़ेक्ट मुझे भी नहीं हुआ है, और ना ही जो कुछ सब्सक्राइबर मेरे DIY फॉलो करते हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो मैं इसमें बहुत खुश हूँ। तो आज इसी सेगमेंट में फिर से एक नया वीडियो लेके आई हूँ, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज की जो रेमेडी है आप उसको ट्राई करो, और वीकली 3 बार ट्राई करो, और आप उसका रिज़ल्ट देखोगे। रिज़ल्ट तो आपको फर्स्ट बार में ही दिखेगा। आप डेमो में ही देख लेना, अभी मैं आगे बताने वाली हूँ, डेमो दिखाऊंगी, आप खुद उन डेमो में देख लेना कि कितना फ़र्क आता है मेरे फेस पे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज का जो रेमेडी है बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत इफ़ेक्टिव है। मैं मतलब बहुत खुश हूँ इस रेमेडी से, और काफ़ी ये इम्प्रूव करेगा आपके स्किन टेक्सचर को। और मुझे लगता है, मैं अपनी बात बताती हूँ, मुझे ऐसा फील होता है कि अगर ये रेमेडी को हम कंटिन्यू करें ना, तो हमारी बेबी टाइप स्किन हो जाएगी। और मुझे फील होती है धीरे धीरे मेरी स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन चेंज हो रहा है, मीन्स चेंज नहीं बोलूँगी, अपने ओरिजिनल कलर पर आ रहा है। एक्चुअली मैं जिस कलर की मैं हूँ उस पर आ रहा है, और मुझे अपना स्किन का जो स्किन टाइप स्किन टोन जो है वो फेयर तो हो ही गया है, लेकिन मेरा अपना जो स्किन है बहुत स्मूथ नज़र आता है। मेरी स्किन टाइट है। राइट नाउ आई एम 29 ईयर की हूँ, रनिंग है, और 29 ईयर की एज में देखो, मैं बहुत ज़्यादा तो कुछ करती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरी स्किन में कहीं ओपन पोर्स की प्रॉब्लम नहीं है, मेरी स्किन में कहीं भी पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं है। मेरी स्किन में मतलब डैमेज स्किन नहीं है, मैं ये कह सकती हूँ। और ये स्किन मेरी बिना मेकअप की स्किन है, बिना मेकअप की स्किन। मैं कहना ये चाहती हूँ कि वीडियोस को आप पूरा देखो, तभी आपको मेरे वीडियोस के बेनिफिट जो है समझ में आएंगे। आप उसको ठीक से देखोगे, तभी उसको ठीक से अप्लाई करोगे, और सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगे। तो बहुत टाइम ले लिया, वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन क्या करें, बनाना पड़ता है। और आपके अच्छे के लिए ही हम लोग सब कुछ बताते हैं, हम जो भी चीज़ें बताते हैं वो आपके अच्छे के लिए है। अगर आपको ऐसा लगता हो कि मैं मतलब ये बातें नहीं सुननी है मुझे, तो आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं वीडियो, और आगे की चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन वीडियो देखना पूरा। पूरा नहीं देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कावलिन क्ले। मैंने एक बॉल में कावलिन क्ले लूँगी 1 चम्मच, क्योंकि मुझे सिर्फ इसको फेस पर और नेक पे अप्लाई करना है। अगर आपको किसी और बॉडी पार्ट पे अप्लाई करना है तो उस हिसाब से आप ज़्यादा ले सकते हैं। इसके बाद मैंने लिया है दिव्य गुलाब जल, ये पतंजलि का गुलाब जल है, आप चाहे तो किसी और ब्रांड का ले सकते हैं। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप गुलाब जल के साथ इसको मिक्स कीजिए, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसे रॉ मिल्क के साथ इसको मिक्सअप कीजिए। कावलिन क्ले बहुत ही अच्छा क्ले है, जो आपको इंस्टेंट फेयर करेगा,
और इसको अगर आप रेगुलर यूज़ करते हो तो ये आपकी स्किन को मतलब एकदम बच्चों से सॉफ्ट बना देगा और फेयर बिल्कुल करेगा, 100% है फेयर करेगा। कावलिन के बहुत ही अच्छी क्ले हैं फेस के लिए, स्किन केयर के लिए, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस टाइम मैं पैक लगा रही हूँ और इस टाइम ये पैक लगाते लगाते ही सूख रहा है, ड्राई आउट हो रहा है। आपको ध्यान रखना है कि पैक लगाने के टाइम में आपको बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, नहीं तो रिंकल्स आ सकते हैं। और 10 मिनट हम छोड़ेंगे। अब यहाँ पर मैंने फेस धो लिया है और इस टाइम पीछे की लाइट चली गई है, लेकिन बहुत अच्छा इस पर ग्लो आया है। तो देखा आपने कितना इजी है, और आपको रिजल्ट लाइव विजिबल आपको रिजल्ट दिखने को मिल गया था कि ये रेमेडी कितनी इफेक्टिव है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये है वो काओलिन क्ले, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में काओलिन क्ले के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा आपको, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, बस हम मोटिवेट होते हैं तो लाइक कर देना। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लेना जिससे कि मेरे न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। और अगर आपको ब्लॉग्स वगैरह पसंद है तो मेरा ब्लॉग्स चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और नीचे मेरा दो चैनल है, लाइफ विद रितु एंड रितुज़ ब्लॉग, तो इन दोनों को सब्सक्राइब करना। नीचे उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो उसको फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आते हैं। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।